संसार की रचना का मुख्य आधार है ओम, जिसकी महानता और पवित्रता को पहचाना एक नेक दिल इंसान और महान जादूगर गुरु आदित्यानंद ने। गुरु आदित्यानंद ने अपनी शक्ति से एक स्कूल का निर्माण किया, आब्राकाडाब्रा स्कूल ऑफ मैजिक। दूर दूर से बच्चे यहां जादू सीखने आने लगे। गुरु आदित्यानंद पूरी सच्चाई के साथ तन मन से उन्हें जादू सिखाने लगे। जहां सच होता है वहां झूठ भी, झूठ और बदी की प्रतीक बिजली। शक्ति शक्ति शक्ति। बिजली पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। बोल आईना, बोल। क्या है? कौन है जो मुझे शक्ति दे सकता है? गुरु आदित्यानंद। आदित्यानंद की शक्तियों का पता चलते ही अपनी सोच को अंजाम देने के लिए जादूगरनी बिजली उनकी शरण में आ गई। कल को जानने वाले आदित्यानंद ने
बढ़ती उम्र के साथ अपनी जादुई शक्तियों को इकट्ठा कर एक छड़ी का रूप दे दिया। अब गुरु आदित्यानंद के पास थी संसार की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी, जिसे पाना चाहती थी बिजली। ये छड़ी मुझे दे दो। नहीं, ये छड़ी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये छड़ी मैं तुमसे छीन लूंगी। इस जंग में गुरु आदित्यानंद की मृत्यु हुई और साथ ही बिजली की भी मौत, लेकिन गुरु आदित्यानंद की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं कैद होकर रह गई। और आज 200 साल बाद के सामने नहीं आता। तो मुझे भी हवा में बात करने की आदत नहीं है। और मुझे भी तेरे जैसे छुटकिन की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। देखो, मेरे तीन गिनने तक आप सामने नहीं आए ना, तो मैं आपके अंदर कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, तुम अंदर जा पाओगे तो शिकायत करोगे ना। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो मेरी चाची मुझे ढूंढने बाहर आएगी। कौन चाची? स्कूल के प्रिंसिपल। क्या? आरबी के भतीजे हो? आरबी कौन? अरे आरबी का मतलब रंग बिरंगी स्कूल की प्रिंसिपल। छुटकन हमें से होशियारी नहीं, ये थी छुटकन की छोटी सी शरारत। नाम क्या? शानू। इतने स्याणे बच्चे का नाम शानू ही तो हो सकता है। वैसे आप कौन है? मैं आबरा का डाबरा स्कूल का केयरटेकर चौकीदार लीमू चाचा। एक जमाने में प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन अब यार। अब क्या हुआ? अरे छोड़ो यार, एक लंबी कहानी है। लीमू चाचा, अब मैं अंदर जाऊं? अरे इतनी रात हो गई है, इस समय ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। आज तो रात मेरे यहाँ गुजारनी पड़ेगी, सुबह होगी तो फिर रंग बिरंगी से मुलाकात होगी, उसके सामने देखता हूँ तू कितनी होशियारी दिखा सकता है। खतरनाक है, डेंजरस है, स्ट्रिक्ट है, गलती इतनी सी और सजा इतनी सारी। तू अच्छा छुटकन है। आज की रात मेरे यहाँ रह जा बेटा, ठीक है? हंस बेटा, हंस।